हाय फ्रेंड्स, आज से वोटर आईडी में जो है आधार नंबर लिंक करना जो है शुरू हो चुका है। अब आप लोग वोटर आईडी में जो है आधार नंबर लिंक करने के साथ साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है आसानी से फ्री में जो है अपडेट कर सकते हैं। वोटर आईडी में जो है आधार नंबर लिंक करने के लिए आपको कोई भी चार्ज जो है नहीं देना होगा। सिर्फ इस वीडियो को जो है देखकर आसानी से घर से जो है वोटर आईडी में आधार नंबर जो है लिंक कर सकते हैं। सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बर्मा टेक। चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्ले स्टोर से आप लोगों को एक एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करना होगा, वोटर हेल्प है। तो वोटर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप लोग ओपन कीजिएगा तो इंटरफेस जो है कुछ इस तरह का नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है क्लिक करना होगा वोटर रजिस्ट्रेशन, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। तो आपके सामने जो है थर्ड वाला ऑप्शन, इस वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इलेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म 6B, इस वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको लेट्स स्टार्ट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोग कोई सा भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा। इसके बाद सेंड OTP वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा, जो है चूज करना होगा इस फर्स्ट वाला ऑप्शन को। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करने के बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोगों को अपना यहाँ पर वोटर आईडी का नंबर जो है इंटर करना होगा। इसके बाद आप लोग यहाँ से अपना स्टेट जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ से अपना फेचेड डिटेल वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा नीचे की तरफ। वोटर आईडी का डिटेल आने के बाद अब आप लोग जो है नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा नीचे की तरफ। इसके बाद आपका जो ऊपर है आपका वोटर आईडी का डिटेल यहां पर आ चुका है। इसके बाद आप लोग को यहां पर जो है आधार नंबर इंटर करने का ऑप्शन जैसा कि आ गया है। इसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे कि अगर क्लिक कीजिएगा तो आप अदर डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है चूज करना होगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट जो है देना चाहते हैं, जैसे कि पैन कार्ड या मनरेगा जो है जॉब कार्ड या पासबुक देना चाहते हैं या पासपोर्ट देना चाहते हैं। इनमें से किसी एक को जो है आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो सेलेक्ट कीजिएगा उस डॉक्यूमेंट को आप लोग को जो है यहाँ से अपलोड भी करना होगा JPG में। जो आपका जो होगा वो फाइल का साइज जो होगा 2 MB का अंदर ही होना चाहिए। नीचे की तरफ आपको यहां पर आना होगा। इसके बाद अगर आप मोबाइल नंबर जो है इंटर करना चाहते हैं तो यहां पर मोबाइल नंबर जो है इंटर कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहते हैं अपने वोटर आईडी में तो यहां पर वो भी है इंटर कर दीजिएगा। इसके बाद प्लेस ऑफ एप्लीकेशन में आप अपना जगह का स्थान जो है इंटर कर सकते हैं। अपने गाँव पर भी चेक कर लेना होगा अपने एप्लीकेशन का, जैसे कि आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इसके बाद कन्फर्म वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट कर दिया गया है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन का जो है रेफरेंस आईडी ये है। इस रेफरेंस आईडी को जो है आप लोग कॉपी करके जो है नोट कर लीजिएगा। इसी कुछ भी डाउट आ रहा है तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके आप मुझसे जो है सवाल पूछ सकते हैं।